की सूचना न मिलने से संक्रमितों के पड़ोसी हो रहे हैं परेशान। पीड़ित पड़ोसियों का कहना है कि संक्रमितों के घर पर ना कोई सूचना पत्र लगाया जाता है, ना ही संक्रमितों के घर को कंटेनमेंट किया जा रहा है और ना ही क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है। इससे पड़ोसियों को मालूम ही नहीं चल पा रहा है कि किससे बचना है और किस क्षेत्र में नहीं जाना है। वहीं इस बीच अनेक संक्रमित और उनके परिजन बाहर बेधड़क घूमते हुए देखे जा सकते हैं, जिसके चलते संक्रमण लगातार फैल रहा है। जब हमने इन सारी स्थितियों से आगर SDM राजेंद्र सिंह रघुवंशी को अवगत कराया तो उन्होंने अब तत्काल उपयुक्त सभी कार्यवाही करने के लिए अधीनस्थों को आदेशित किया है। बदल देना बैग। पीछे आ जाओ, चलो तुम लेते रहो, मैं कुछ हैंड कर देना। और आए दिन कोरोना मरीज निकल रहे हैं, वहाँ पे किसी प्रकार का बैरिकेड पोस्टर वगैरह नहीं लगे हैं। लोगों का कहना है कि हम लोगों को यहाँ पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे मरीज निकल रहे हैं, जिसको ऊपर प्रशासन कुछ सख्ती करे। नहीं, प्रशासन जो है कोरोना के लिए बड़ा संवेदनशील है और इस मुद्दे पे हम लोगों ने अधिकारियों की बैठक भी बुलाई है। अधिकारियों को शहर के अंदर अलग अलग कार्य के लिए कार्य भी सौंपे गए हैं, जिनके दायित्वों का निर्वाह वो लोग करेंगे। तो इसी संदर्भ में ये किया गया है कि जहाँ जहाँ पे भी कंटेनमेंट एरिया बनाने हैं वहाँ पे कंटेनमेंट एरिया बनाए जाएंगे। जहाँ पे पेशेंट कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं उनके मकानों को लगातार मतलब सैनिटाइज किया जाएगा। उनके मकानों पे एक स्लिप लगाई जाएगी जिससे ये स्पष्ट हो सके कि उस परिवार में कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया है और वो परिवार कितने दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। कब से कार्रवाई चालू हो जाएगी? ये कार्रवाई हमने आज से चालू कर दी है। ठीक सर। आपके घर के पास कोरोना पेशेंट निकले हैं, क्या यहाँ पे बैरिकेड वगैरह लगाए नहीं लगाए, क्या समस्या है? कोरोना पेशेंट तो निकले बट वो बैरिकेड्स भी नहीं लगाए, पोस्टर भी नहीं लगाए ना। जो निकला संक्रमित उसने भी जानकारी नहीं दी कि मैं संक्रमित तो, इस वजह से मालूम नहीं पड़ता है। छोटे बच्चे बच्चे खेलते हैं तो वो घर पे भी आए या नहीं आए, विशेष सावधानी देने के उपरांत भी नहीं वो समस्या हल हो पाती। क्या नाम लिखता है? मधु प्रभा, पटना। कंटेंट जोन से लेकर क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? कंटेंट जोन से लेकर ये समस्या है कि कॉलोनी में काफ़ी पेशेंट निकल रहे हैं कोविड के, और अभी फिलहाल में आज ही एक पेशेंट की मौत हुई है, और उसके बावजूद भी ना तो कंटेनमेंट एरिया चिन्हित किया गया है, ना बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इस प्रकार से यहाँ किसी को पता ही नहीं लग रहा है कि इस एरिया में किसको किधर पेशेंट क्या है, तो इस प्रकार से यहाँ पे चिन्हित किया जाना आवश्यक है। क्या नाम लिखते हैं आप? संतोष जी खरे, एडवोकेट। ये क्या समस्या आ रही है यहाँ पे बैरिकेड से लेकर? जैसा कि सबको विदित है 2019 कोविड के अंतर्गत जो विवेकानंद कॉलोनी मास्टर कॉलोनी जिसको हॉट स्पॉट घोषित किया गया है, अधिकांश जो हैं प्रतिदिन कोविड के जो हैं पेशेंट संक्रमित होने में लगे हैं। हमारे पास के ही मकान में सुनील पाटीदार जो थे है ना, वो भी संक्रमित हुए लेकिन पता ही नहीं चल पाया। ऐसे आज चंदेल परिवार जो हैं LIC में, उनकी पत्नी उनकी डेथ हो गई तो पता चला, लेकिन कोविड का किसी भी प्रकार का न तो उसमें पोस्टर लगे हुए हैं और न कोई इस प्रकार का कंटेनमेंट का जो है वो लगाया गया। तो अधिकांश छोटे छोटे बच्चे जब कॉलोनी में घूमते हैं खेलते हैं तो उनको पता ही नहीं चल पाता है कि कौन सा मकान जो है क्या
उसमें पेशेंट हैं कोविड वाले वो क्या है, तो प्रशासन से विशेष निवेदन है कि वे कम से कम इस प्रकार के कंटेनमेंट जोन बनाकर और पोस्टर लगाकर अवगत करवाएँ, ताकि आसपास पड़ोसी जो भी हैं वो लोगों को सावधानी करके इस संक्रमण को रोक सके। क्या नाम लिखते हैं? भूपेन भटनागर। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए आगरमालवा से एहतेशाम खान की रिपोर्ट।